बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय समय देने के लिए, और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रेल मंत्री जी का जो इतनी देर तक आप यहाँ बैठकर सबके सुझाव ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र बदायूं के अंदर कई सारे हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग रह रहे हैं जो खास करके दिल्ली NCR के अंदर कई सारे व्यवसाय के अंदर हैं, चाहे हम टेक्सटाइल्स की बात कर लें, जीन्स और कपड़े की फैक्ट्रियों से लेकर जितनी भी रेडी की दुकानें होती हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं मूलतः बदायूं के लोग हैं। 70,000 से ज़्यादा के लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। वहीं मैं आपसे आग्रह ये करना चाहता हूँ कि बदायूं से दिल्ली के लिए और दिल्ली से बदायूं के लिए एक रेल सेवा की मांग लगभग 10 से 15 सालों से की जा रही है। फाइल काफ़ी आगे तक बढ़ी है, अगर आप अपनी निगाह उस पर डालेंगे तो निश्चित ही वो सेवा बदायूं को एक बड़ी सौगात के रूप में मिल सकती है। वहीं मैं आपसे अनुरोध ये भी करना चाहूँगा कि उज्जैनी से बदायूं और सैसवान होकर बबराला, जो बबराला गुन्नौर में क्षेत्र पड़ता है, वहाँ तक अगर एक रेल सेवा शुरुआत होगी तो वो भी बहुत ही कारगर साबित होगी। तीसरा और आखिरी बिंदु मेरा आपसे यही होगा कि एक रेल की सेवा बदायूं से जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ से वापस अगर चलेगी तो ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी। साथ ही मैं आपसे अनुरोध ये भी करूँगा कि रेल के अंदर जो खाने का और पैंट्री का काम चलता है उसमें जो पानी के रेल नीर जो आपने किया है वो सब्सिडाइज रेट पे पानी देता है पैसेंजर्स को, वहीं पे आपके यहाँ के जो कर्मचारी हैं कई जगह पे देखा जाता है कि वो प्राइवेट कंपनीज के पानी को जो ज़्यादा रेट के होते हैं, मार्जिन के होते हैं, उनको बेचने का काम करते हैं। उस पर भी रोक अगर लगेगी तो निश्चित ही हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनका फ़ायदा होगा। और अंत में यही कहूँगा कि मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा था, कई समय पे आपने अपने कलम को उठा के जो आपके सामने डायरी है उसमें पॉइंट्स को नोट किया है। अगर मैं नौजवान हूँ, एक आपका कई चीज़ें सीखने को मौका मिलेगा, अगर उस कलम को उठा के मेरी ये मांग है आप लिख लेंगे तो एक संतुष्टि दिल को भी हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कमलजीत सराव, ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।